नंदीग्राम में जो हो रहा है वो जबरदस्त संग्राम का संकेत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से पर्चा दाखिल किया, दो दिन बाद शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी लगातार अपने हिंदुत्ववादी छवि को निखारने में लगी हैं। श्रीराम के नारों से बौखलाने वाली दीदी नंदीग्राम में मंदिर मंदिर घूम रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी उनकी इसी इमेज पर चोट कर रहे हैं। संग्राम संग्राम नंदीग्राम में आरेख नाम संग्राम संग्राम से संग्रामी जगह। ये अंदाज ये तेवर हैं दीदी के नंदीग्राम के संग्राम में। कभी अपने लेफ्टिनेंट रहे शुभेंदु के विरुद्ध भंग युद्ध में दीदी की शिदहाड़ है। दो पत्ती वाली पार्टी के किले को बचाने उतरी ममता बनर्जी की ये चुनौती है। সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করি, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি, তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কনটেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম। নামাঙ্কন দাখিল করার কে বাদ হলদিয়া মে গরজ রহি থি মমতা বনার্জি। अपने से पराए हुए शुभेंदु को चैलेंज करने से पहले ऑर्डरदानी से अखंड आशीर्वाद लेकर आई थी। नंदीग्राम में सुबह सुबह शिव की शरण में कुछ यूं हाथ जोड़कर शीश नवाएं खड़ी थी। मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव महादेव को फूल चढ़ाया, रियापाड़ा के हजार साल पुराने महारुद्र सिद्धनाथ का जलाभिषेक किया, वंदना की, आरती की, जीत का आशीर्वाद लिया और फिर माथे पर चंदन और गर्दन में पीत वस्त्र धारण कर बाहर निकली। भक्तों को प्रसाद खिलाया और फिर निकल पड़ी सियासत को साधने के लिए। उड़न खटोले से उतरते हुए सड़क नापने लगी समर्थकों के साथ, पैदल मार्च किया, जबरदस्त उत्साह के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल हुई, प्रस्तावकों के साथ पर्चा भरने की औपचारिकता पूरी की, नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बाहर निकली तो बता दिया कि बंग युद्ध में नंदीग्राम खंड कितना अहम रहने वाला है। मेरे दिल कभी कभी चाहते थे जे कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें, तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। यहाँ से निकली तो शिवरामपुर पहुंची, माँ काली के दर पर जाकर खड़ी हो गई, पूजा पाठ किया, घंटा घड़ियाल बजाया और फिर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। दीदी शिवरामपुर में आराध्य की आराधना कर रही थी तो उनसे चंद मील के फासले पर वो शुभेंदु अधिकारी पवन पुत्र को पूज रहे थे जो अपनी पूर्व सुप्रीमो से टकराने के लिए तैयार है। दीदी के दामन से निकलकर नए नए भगवाधारी हुए शुभेंदु सुबह सुबह बजरंग बली की शरण में पहुंचे थे। राम भक्त हनुमान को माल्यार्पण किया, जीत का आशीष लिया और फिर समर्थकों के साथ निकल पड़े सड़क नापने के लिए। बीच बीच में जय घोष के बीच शुभेंदु अधिकारी अपने पुराने दफ्तर से नए दफ्तर तक पैदल पहुंचे। रास्ते में हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो यूं उखड़ गए दीदी पर। ममता दीदी भी आ रही है, वो पहले वो इस बार आया, पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार भी नहीं आई। रोड शो खत्म करने के बाद शुभेंदु समर्थकों के बीच खड़े हुए, बोलने लगे। शब्द शब्द में दीदी के लिए तलखी थी, ममता के हिंदुत्व पर सीधा सवाल था। हमरा हिंदुरा बोले उनार राम का अपशब्द सरस्वती पूजार मंत्र के किभाबे बोलने देखने चुंडी पाठ के किभाबे करेछेन। बोलते बोलते शुभेंदु अधिकारी ने मोबाइल निकाला, ऑडियो बढ़ाया और समर्थकों को सुनाने लगे वो चंडी पाठ जिसे ममता ने बांचा था नंदीग्राम में। ममता बनर्जी के उच्चारण में अक्षम्य अपराध खोजते हुए शुभेंदु ने योगी को न्योता दिया, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि दीदी के उच्चारण में गलत क्या था। ममता बनर्जी भूल मंत्र गलत मंत्र बोल रहा है, इसलिए जोगी जी आएगा तो सही मंत्र। तृणमूल को त्याग कर नए नए भगवा प्रेमी बने शुभेंदु खुलकर हिंदू दांव खेल रहे हैं और इसकी वजह है नंदीग्राम का वोट बैंक। नंदीग्राम में करीब 70% हिंदू आबादी है जबकि करीब 30% मुसलमान है। भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम का रास्ता पकड़ने वाली ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी इसी 30% पर समेटने की फिराक में है।
আমি সব ধর্মকে আমাদের বিবেকানন্দ শিখিয়েছে নিজের ধর্মের প্রতি আস্থাশীল হও, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। আমি শুভেন্দু অধিকারী, ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে, গায়ত্রী করি, সূর্য প্রণাম করি। 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 68% वोट मिले थे, लेकिन तब वो दीदी के साथ थे। इस बार दीदी उनके सामने हैं। बावजूद इसके शुभेंदु 50,000 वोट के अंतर से ममता को हराने का ऐलान कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी वजह हैं। जैसे नंदीग्राम जिस तामलुक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ा है। 2014 से लेकर 2019 के बीच तामलुक में बीजेपी का वोट 6 गुना बढ़ा है। तामलुक के सांसद शुभेंदु के भाई हैं और ममता के साथ रहते हुए भी मोदी के मुरीद हैं। पाला बदलने के बावजूद नंदीग्राम के मुस्लिम नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा शुभेंदु के साथ है। चुनाव में इस बार बंगाल का हीरो कौन? अभी तक जो है शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी अभी तक अच्छा बंगाल में पचर के लिए तो, लेकिन हीरो तो है मोदी जी। मोदी जी आपको हीरो है? हाँ। तो मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं? आप तो मुसलमान हैं। तो पसंद है, करता हूँ, पसंद करता हूँ। हाँ। तो कारण क्या है पसंद करने का? काम कर रहे हैं इसीलिए अच्छा लग रहा है। जो काम कर रहा है अच्छा लग रहा है। कौन सा काम? जो काम कर रहे हैं, जो चीन काम का नाम बताइए। चीन माने जो चीन के लिए माने जो लड़ाई हो रहा था, चीन को तो पीछे भेज दिया चीन। हाँ। ममता बनर्जी को अपने पूर्व लेफ्टिनेंट के इस चक्रव्यूह का अंदाजा अच्छी तरह से है। ममता बनर्जी जानती हैं कि नंदी ग्राम के रास्ते सत्ता के शीर्ष पर वापसी के लिए उन्हें 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती शुभेंदु हैं और दूसरी चुनौती हिंदूवादी राजनीति का मुद्दा, और इसके साथ ही साथ में शुभेंदु उनके बाहरी होने का मुद्दा भी उछाल रहे हैं। ममता अब उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रही हैं, मंदिर मंदिर घूम रही हैं, खुद के ब्राह्मण कुल की संतान होने का प्रमाण दे रही हैं, खुद को नंदीग्राम की बेटी बता रही हैं। हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा, लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं नंदीग्राम के मैदान जंग में। असल में ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव टर्निंग पॉइंट है। अगर दीदी हार गईं तो उनकी सियासत पर सवाल उठेंगे, बीजेपी के आरोपों पर काफी हद तक मुहर लग जाएगी। दीदी अगर हार गईं तो पार्टी में टूट का खतरा और बढ़ेगा। यही दीदी की असली चुनौती है, क्योंकि इतिहास बताता है कि हार के बाद क्षेत्रीय पार्टियां बिखरने लगती हैं। यूपी में SP BSP, बिहार में RJD, दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, हर जगह यही कहानी दोहराई गई। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंक दी है। कभी श्रीराम के नाम पर आग बबूला होने वाली ममता बनर्जी, कभी कृष्ण का नाम जप रही हैं, तो कभी शिव की शरण में खड़ी हो रही हैं। जाहिर है कि हिंदू विरोधी छवि को तोड़कर शुभेंदु की चुनौती को चित करने के लिए ममता बनर्जी बेहिसाब मेहनत कर रही हैं। तो आगे का सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी अमित शाह के बिछाए जाल में फंस चुकी हैं? क्या विकास को मुद्दा बनाने वाली दीदी धर्म पर अटक गई है? महंगाई को लेकर मोर्चा खोलने वाली ममता बनर्जी के अचानक हृदय परिवर्तन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी कमोबेश ऐसा ही चैलेंज है। उनके सियासी सफर में भी ये चुनाव अहम मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि शुभेंदु अगर हार गए तो बीजेपी के तुरुप का इक्का फेल हो जाएगा। शुभेंदु अगर हार गए तो उनके जनाधार का खात्मा माना जाएगा। शुभेंदु अगर हार गए तो उनके भी सियासी भविष्य पर सवाल उठेंगे। यही वजह है कि जिन ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम में कभी जमीन तैयार की थी शुभेंदु ने, वहीं से उन्होंने उनको चुनौती दी, लेकिन जिद्दी दीदी ने भी उसे स्वीकार किया और अब मैदान में दोनों आमने सामने हैं। दीदी भी जानती हैं कि नंदीग्राम के रास्ते सत्ता की हैट्रिक लगाना आसान नहीं है, ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन नंदीग्राम ने ममता को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया है, ये उनकी पहचान रहा है। इसलिए बैटल ऑफ नंदीग्राम को चुनकर ममता ने बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज दिया है। रवि दत्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।